हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे एकदम से। एंड फर्स्ट कम्स मेरी चैनल, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेके आया है इस वीडियो के थ्रू। पीछे मेरी बेटी है, प्लीज़ डोंट माइंड, कोई संभालने वाला नहीं है उसको, तो थोड़ा सा ये कहीं भी घूमेगी होंगे। और तो गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो चैनल है वो हो चुका है मोनेटाइज। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार नहीं होता तो हम लोग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि यहाँ तक पहुँच पाते। एंड हर समय पे लाइक कुछ भी हुआ है, चाहे हनी की शादी हो, चाहे कृष्णा का बर्थडे हो, आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। एंड अभी रिसेंटली हम लोग गए थे, राहुल के दादी जी एक्सपायर हो गए थे, वहाँ पे भी आप लोगों ने मुझको इतना सपोर्ट किया, मेरी जो सिचुएशन थी उसको समझा उसके लिए, तो तहे दिल से मेरा शुक्रिया। एंड हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, ये जो फैमिली इतनी बड़ी होती जा रही है, 1.8 plus 8K plus एंड इट्स काउंटिंग लाइक ग्रोइंग। तो गिरी दृश्य, तो मैं आपको पीछे के अपडेट्स भी देती रहूँगी एंड यू हैव टू बेयर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और इतनी बड़ी फैमिली होगी हमारी। बेसिकली जो गुड न्यूज़ थी ना, जो मेरा टारगेट था, दैट मीन्स 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर्स, जो कि बहुत टिपिकल होता है किसी नॉर्मल न्यू यूट्यूबर से ही आप समझ सकते हो सिचुएशन क्या है, बहुत टफ होता है। तो वो जो मेरा टारगेट था, मेरा बर्थडे था ऑन 24th of December एंड आई वाज एट राहुल्स पेरेंटल होम, तब मुझको जाके मुझे मतलब ये टारगेट मैंने पूरा किया था ऑन 23rd, आई थिंक 22nd या 23rd को मैंने टारगेट पूरा किया था। फिर मेरे को एक मेल आया था फ्रॉम यूट्यूब, लाइक जब आप टारगेट पूरा कर लेते हो तो YouTube की तरफ से मेल आता है कि आप एलिजिबल हो, यू कैन अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन अगर आप चाहते हो तो। उनके जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है उसमें आप अप्रूवल दे सकते हो। त्रिशिका को आप इस तरह की क्या भी नहीं, आई डोंट नो व्हाई शी इज सो हैप्पी। से थैंक यू एवरीवन, से थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने हम लोगों को सब्सक्राइब किया, हमारी फैमिली को इतना बड़ा बनाया, बोर हो गई है। चलो चलो ठीक है बाय 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 बाय। स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। तुषिका की तरफ से भी आप लोगों को थैंक यू। नाउ यू अगेन वांट टू कम, नो उसको मत हिलाओ। तो हाँ भी थी मैं, तो आप लोगों का प्यार की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरे चैनल पे मोनेटाइजेशन हो चुका है, आपको एड्स मिलने स्टार्ट हो गए होंगे। बेसिकली जो एड्स हैं वो चल रहे हैं 31st of December से 2019, पर मैं आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाई। द रीज़न इज़ मैं बहुत ज़्यादा, मेरा जो स्केड्यूल था इट्स वॉज वेरी वेरी बिजी और मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया। पहले हम लोग घर थे, आउट ऑफ सिटी थे देहरादून से, फिर हम लोग नानी हाउस में थे, उसके बाद फिर जो पूरा 31st और आज अब सेकेंड हो गया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा डिले हो गया है आपको अपडेट करने में, आप लोगों को गुड न्यूज़ आपके लोगों के साथ शेयर करने में, पर डेफिनेटली मैं करती गुड न्यूज़ शेयर आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हुआ है ये। एंड एड्स आने स्टार्ट हो गए थे ऑन 31st, पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ और साथ ही साथ मैं एक एक इंडिविजुअल का थैंक यू भी करूँगी जो मेरे शुरू से लेके अभी तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उन सब के मैं नाम लूँगी बट अभी थोड़ी देर में। पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रोसेस क्या था, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो मैंने 22nd को आई थिंक टारगेट पूरा कर दिया था और वो टारगेट थोड़ा और टफ होता और टाइम लगता अगर मेरी वीडियो थी वो इंडियन वेडिंग गेम्स वाली वो अगर वायरल ना होती। वो मेरी वायरल होनी स्टार्ट हो गई थी थैंक्स टू मनोज मेरा ब्रदर, उसकी वजह से उसने थोड़ा सा उसको ऑप्टिमाइज़ किया था उस वाली वीडियो को, इसलिए वो वायरल हो गई। एंड वायरल होने के बाद वो इतनी तेज़ी से मेरे मिनट्स लाइक बिफोर दैट आई वॉज ऑन 3200 या 400 वॉच आवर। बेबी वन मिनट, तो 3400 मेरे जो आवर्स थे वो कंप्लीट हो चुके थे, बट स्टिल लाइक 600 भी बहुत ह्यूज टारगेट होता है, इतना आसान नहीं होता घंटा पूरा करना 600 घंटे। यूट्यूब वालों का जो टारगेट है ऑलरेडी मुझे बहुत टफ लगता था कि कैसे होगा। 1000 सब्सक्राइबर्स पे जब हुए थे आई वॉज सो हैप्पी, दो मैंने कभी भी लाइक मुझे पता था कि आई एम मेकिंग अ जेन्युइन कंटेंट, तो मेरे को टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई लोड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट स्टिल कहीं ना टारगेट पूरा करना कभी कभी बहुत ज़्यादा टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरे साथ है बेबी, मेरी बेबी, जो कि मुझे कभी कभी पॉसिबल ही नहीं होता था मैं किसी डेली व्लॉग्स कर पाऊँ। मेरी रात की नींद अभी तक भी पूरी नहीं होती है, इट्स लाइक 1.5 years और मेरी रात की नींद मुझे पूरी करनी बहुत टिपिकल होती है, उसके बाद फिर सुबह उठ के अगैन मैं व्लॉग्स बनाऊँ और फिर उसको शाम को एडिटिंग करके फिर अपलोड करूँ, इसीलिए मेरे को 12 बजते अपलोड करने में, जो कि बहुत ही बेकार समय होता है अपलोड करने के लिए, ट्रैफिक सोर्स बिल्कुल ज़ीरो होता है उस समय पे।
बट स्टिल आई कंटिन्यू डूइंग दैट. स्टार्टिंग में मैंने पेरेंटिंग वीडियोज़ बनाई और बहुत गंदे वीडियोज़ हैं मेरे स्टार्टिंग के, प्लीज़ देखना मत. आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ देखना मत. बहुत ब्लर पिक्चर्स हैं, कभी साउंड पीछे चल रही है, और मैंने उसको वर्टिकली रखा हुआ है कैमरे को, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है इफ़ यू आर मेकिंग व्लॉग्स एंड इफ़ यू आर मेकिंग वीडियोज. तो मतलब क्वालिटी वॉज नॉट अप टू द मार्क. बट धीरे धीरे ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ में हार्डवर्क करते हो, किसी चीज़ को सीखते हो, करते हो, तो आपको धीरे धीरे यू नो तरीके आने लग जाते हैं, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होने लग जाती है. अभी भी आई एम नॉट सेइंग मैं बहुत 100% मेरी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो चुकी है, स्टिल आई नीड लाइक बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत सारा चेंजेस लाने की ज़रूरत है. टाइमिंग्स पे कभी रेंडमली ऐसी रेंडम में डालती हूँ वीडियोज़, तो वो भी सही करने की ज़रूरत है. बट कोई बात नहीं, तो मोनेटाइजेशन ऐसे ऑन हो गया. और 23rd, 24th को मेरा जो था टारगेट पूरा हुआ था. और फिर मैंने, क्योंकि मैं नेटवर्क एरिया में नहीं थी, और मैंने अपने ब्रदर को बोला कि वो जो मेल करते जो स्टेप्स होते हैं उसको क्लियर करना होता है. एक्चुअली 3 steps होते हैं आफ्टर यू क्लियर द टारगेट. तो आप लोगों को 3 steps फॉलो करके उनको अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता है, रिव्यू के लिए भेजना पड़ता है बेसिकली, कि आप हमारा जो चैनल है हमारे पूरे हो चुके टारगेट, अब आप इसको रिव्यू करो, और अगर रिव्यू सही से है तो आपका मोनेटाइजेशन होगा. 1 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, डिपेंड्स कि वहाँ पे मतलब उनके पास कितना काम है या फिर आपका कंटेंट कैसा है. अगर आपको लग रहा है उन लोगों का फ्रेश कंटेंट है, सही कंटेंट है, तो फटाफट भी आपका रिव्यू हो सकता है. तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलूँगी, आप पेशेंस रखो. डेफिनेटली अगर आप पेशेंस रखोगे और अगर आपको पता है आप अंदर से सही हो, आपका जो काम है वो सही है, किसी और का चुराया हुआ नहीं है, जो भी कंटेंट यू आर मेकिंग इज़ जेन्युइन एंड योर ओन, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी. चाहे 10 दिन लगे, चाहे 1 दिन, आपका होएगा ही होएगा मोनेटाइजेशन, नो डाउट. वो लोग बैठे हैं YT वाले इसीलिए ताकि वो आप लोगों की हर समय मदद कर सके. मेरा जो मेरे भाई ने जो मेल किया था, आई थिंक ही डिड ऑन 24, जिस दिन मेरा बर्थडे था. ऑन 26 आई गॉट अ मेल जिसमें लिखा हुआ था कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन अप्रूव्ड करके कि फॉर द पार्टनरशिप प्रोग्राम विद यूट्यूब. तो ऐसे करके मेरे पास एक मेल आया था, क्योंकि उसमें मोनेटाइजेशन का थोड़ा हल्का फुल्का जिक्र था. तो मैंने सोचा कि चलो अभी ऐसे ही मेल आ गया होगा, इतनी जल्दी तो अप्रूवल नहीं हो सकती. लाइक ऑन 24th अगर मेरे भाई ने सारे स्टेप्स क्लियर करके एडसेंस पे अकाउंट बनाया है और 3rd step को क्लियर किया है, उनको मेल भेजा है कि हमको मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्रूवल दो, व्यू करो, तो इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा? लाइक 25th 26th को मेल कैसे आ जाएगी? तो मेरे को कहीं ना कहीं डाउट था कि हो सकता है जो मोनेटाइजेशन वाला मेल हो कुछ डिफरेंट तरीके का होता हो. बट स्टिल समवेयर इन द कॉर्नर, क्योंकि कंग्रेचुलेशंस वर्ड था, वो सुन के वो देख के मेरे को अच्छा फील हो रहा था. बट एट दैट टाइम आई वॉज डैम बिजी और मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, ना मेरे को टाइम मिल पाया है ज़्यादा खोल के देखने का, क्योंकि नेटवर्क में नहीं थी मैं. बहुत कभी कम समय मिलता था मेरे को मोबाइल चेक करने का, उसमें मैं कॉल्स करते थे अपने घर पे पेरेंट्स को. तो ये सब था. उसके बाद मैंने इवन अपने ब्रदर इन लॉ को दिखाया कि मेरे को मेल आया है, और उसने भी बोला कि हाँ देखते हैं चलो, क्योंकि एड्स नहीं आ रहे थे तब पर. और कंग्रेचुलेशंस का था वैसे वो मेल, मैं यहाँ पे लगा दूंगी. ऑन 29th अगैन, मतलब मैं वापस घर आ गई थी, और मुझे ना जो मेरे यूट्यूब स्टूडियो था ना, उस पर डॉलर के साइंस दिख रहे थे, और ये दिखने स्टार्ट हुए थे ऑन 27th में. मुझे ग्रीन कलर के जो डॉलर सिग्नल सिंबल्स होते हैं वो मेरे को दिख रहे थे. एक दो वीडियोस पे येलो भी था, तो वो भी मुझे दिख रहा था. एंड मेरे को अंदर खुशी होने लगी बहुत ज़्यादा, मतलब लड्डू से फूटने लग गए कि हरे रंग का डॉलर का साइड. डॉलर देखते ही ना लगे आँखें चमक जाती हैं, तो वो आँखें चमकने लगी मेरी. और मैं कहीं ना कहीं, मेरे को हो रहा था कि हो सकता है मेरा मोनेटाइज हो गया हो. इस वजह से मैं बार बार अपने दूसरों को बोल रही थी प्लीज़ मेरा ऑन करके देखो ना, मेरे उस पर एड्स आ रहे कि नहीं आ रहे. बट मेरे वीडियोज़ में ना कहीं भी एड्स नहीं थे, तो कहीं ना कहीं मैं निराश हो रही थी, अरे यार अभी मोनेटाइजेशन नहीं. मैं किसी को बता भी नहीं रही थी खुल के कि मेरा मोनेटाइजेशन हो गया है. उसके बाद 29th को ना, जब मैं वापस घर आ गई, मेरे भाई फिर से लगा हुआ है कि हाँ आपका मोनेटाइजेशन आई थिंक हो गया है, और इसीलिए ये सिंबल्स दिख रहे हैं बट एड्स नहीं शो कर रहे. तो 29th को अगैन आई गॉट अ मेल, एंड दैट वाज इन हिंदी, लाइक बधाई हो ऐसे ऐसे करके मेल था. मैं फिर से वो डाल दूंगी. 29th को मेरे पास आया, तो कन्फर्मेशन हो गई थी कि ठीक है मोनेटाइजेशन तो ऑन हो गया है. उसके बाद ना मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैंने 3-4 वीडियोज़ बैक टू बैक देखनी स्टार्ट करी कि क्या होता है अगर मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है बट नो एड्स. एंड ऐसे करके मैं वीडियोस देखने लग गई. वहाँ पे एक जानून बंदे थे,
उनका मैंने वीडियो देखा. वैसे तो मैंने रैंडमली बहुत सारे देखे, मुझे ऐसा समझ नहीं आया, कन्फ्यूजन हो गया था बहुत ज़्यादा. बट जब समझ उनका मैंने जब समझा तो उन्होंने बहुत क्लियर कट वर्ड्स में बोला, फ्रॉम द डे ऑफ मोनेटाइजेशन टिल लाइक 7th to 8th day आप वेट करो, विद इन दैट आपके जो एड्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे. अगर तब तक भी आपके एड्स स्टार्ट नहीं होते तो वॉट यू हैव टू डू इज डायरेक्टली आप मेल कर दो यूट्यूब सपोर्ट ग्रुप को, पार्टनर ग्रुप को, जिसमें आप लोग सिर्फ दो लाइन लिखनी है, अपना नाम लिखना है, अपने URL जो लिंक होता है उसको डालना है एंड उनको भेज दो. ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. कई लोग बहुत सारा बताते हैं कि पूरा इतना तगड़ा लंबा चौड़ा कि डिस्कशन करते हो, फीडबैक करते हो, हेल्प फीडबैक बारे में जाके, उतना सब कुछ करना नहीं है, बस सीधा डायरेक्ट मेल भेज दो और वो 100% उनका विद इन 24 आवर आपके पास रिजल्ट आना ही आना है. मैंने ऐसे सुना तो मैंने उनको भेज दिया कि आई हैव लाइक माई मोनेटाइजेशन इज इनेबल्ड इज ऑन एंड आई हैव मेंटेन्ड ऑल द गाइडलाइंस, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस, स्टिल माई एड्स आर नॉट ऑन. ऐसे करके मैंने 2 लाइन का उनको भेज दिया एंड वो जो मेल था ना गाइज, बिलीव मैंने आज चेक किया क्योंकि मैं आपको वीडियो बनाने वाली थी. मैंने सोचा चलो एक बार मैं क्लियर कर लूँ कि उनकी तरफ से कुछ मेरे रिवर्ट बैक हुआ है कि नहीं आया मैसेज. तो उनकी तरफ से विद इन 3 आवर्स मेरे को मैसेज भी आ चुका था. तो दैट वॉज लाइक मैंने 31st को भेजा था वो मेल, 31st of December पार्टी में जाने से पहले, और मुझे 3 घंटे के अंदर उन्होंने का मेल भी आ गया था दैट ओके योर यूट्यूब चैनल हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड आप. उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट इवन भेजा था कि देखो आपके एड्स आ रहे हैं. तो मैं कहीं ना कहीं वो मुझे मैं नहीं देख रही थी, आई थिंक ये रीज़न था. 31st को वैसे भी बिजी होता है सर कोई, बट उनकी तरफ से मेल मैं पहले क्लियर करती हूँ, 24 आवर्स के विद इन मेल आ गया था. तो ये बेस्ट तरीका है इफ़ यू आर लाइक कन्फ्यूज एंड वॉन्ट टू सेंड यूट्यूब मेल, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो. उसके बाद 31st को ना मैं ऐसी पार्टी में बैठी हुई हूँ एंड मेरी एक क्लीग है त्रिशिका की बर्थडे में, उन्होंने एंकरिंग भी करी है, सुहानन का नाम है. तो वो मुझसे ऐसे ही हमारा व्हाट्सएप पे डिस्कशन चल रहा था, शी वॉज सेइंग कि आपने मोनेटाइज क्यों नहीं कराया, इसलिए कि मैंने डाल दिया है तो रिव्यू हो रहा है एंड ऑल दैट. उसके बाद फिर तुरंत उन्होंने मेरे को स्नैपशॉट करके भेजा कि आपके एड्स आ गए हैं. तो आई वॉज शॉक्ड एट दैट टाइम, लिटरली आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज लाइक इन डिफरेंट जोन, बिल्कुल चली गई मैं वहाँ पे. एंड मैंने फटाफट अपना फ़ोन खोला, फ़ोन खोल के मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे एंड लिटरली मैंने अपना फ़ोन खोला तो उसमें जो सबसे पहले मेरी वीडियो थी उससे एक दिन पहले की वीडियो थी उसको मैंने खोला तो उसमें एड्स आ गए. गाइस बिलीव मी दैट वॉज लाइक ओ माई गॉड. मतलब मैं अगर उस समय मेरे बगल में ना मीनाक्षी बैठी हुई थी, कोई नहीं था एंड इतना प्यारा पल था वो. जब मेरे मतलब आपका ना मेहनत सफल हो जाती है, आप एक साल तक मेहनत करते हो, वीडियोस डालते हो, अपलोड करते हो एंड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में नहीं मिलती तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, पूरे एक एक अपलोड करना, वीडियो डालना, एडिट करना, फिर देखना कहीं कुछ आपने गलत तो नहीं डाल दिया, कुछ सही तो नहीं डाल दिया, कंटेंट क्रिएट करना. इट्स लाइक द टफेस्ट इन डेली व्लॉगिंग इज वर्स गाइज विद अ बेबी, वर्स विद अ बेबी. तो ये सब था. तो वो मेरे लिए बेहतरीन पल थे. नहीं, जो साल है उसकी शुरुआत बहुत से अच्छे से हो रही थी मेरे साथ एंड आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड. उस एक्साइटमेंट में लाइक मीनाक्षी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, सुहानी फ्रॉम द सुहानिया व्हाट्सएप कॉन्ग्रेचुलेटेड मी. और उसके बाद में भाग भाग के मैंने कहा मैं राहुल को बताने जाती हूँ, हनी को बताने जाती हूँ, बिकॉज हनी का भी बहुत ज़्यादा रोल है मेरे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड. तो यूट्यूब चैनल को लेके मतलब ही सपोर्ट मी एनी होम, माई हस्बैंड ऑल्सो ही सपोर्ट मी लाइक हर तरीके से. त्रिशिका को संभालना हो तो बना वीडियो, मैं संभाल रहा हूँ, इट्स लाइक दैट. तो मैं भाग के गई ना तो हनी का स्टॉल लगा हुआ था, मैंने आपको दिखाया होगा व्लॉग में, आपने देखा होगा. तो हनी खड़ा है, हनी एक बैग पे ऐसा पीछे करके ना राहुल जैसे कोई खड़ा है तो उसने जैकेट पहन रखी, टोपी पहन रखी. मैं सीधा गई और मैंने ऐसे गले कह रही हूँ, मैंने हाथ में हाथ डाली और ऐसे करके मैं ऐसे गर्द कंधा उठ के मेरे एड स्टार्ट हो गया. वो लाइक दिस एक्साइटेड लेवल, मेरा नेक्स्ट लेवल था बिल्कुल एक्साइटमेंट का. और हनी ना ऐसे ऐसे मेरे को आंखें दिखा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों दिखा रहा है, और हंस भी रहे हैं, मतलब सब लोग हंस रहे हैं, मुझे समझ में नहीं क्यों हंस रहे हैं, मेरा तो ऐड स्टार्ट हो गया. तो फिर मैंने ना ऐसे पलट के देखा तो सामने वो ना जो जिसके मैंने ऐसे हाथ में हाथ डाला था वो कोई और बंदा था. मेरे पैरों तरीके से तले से जमीन खिसक गई कि मैंने किसको कौन था. और ही वॉज लाइक स्टेयरिंग मी लाइक दिस, तो इवन ही वॉज इन शॉक कि ऐसा कैसे हो गया. उसका बेटा भी उसके बगल में खड़ा था, छोटा सा बेटा था. तो पता है क्या, वो बंदा बाद में तो वहाँ से मतलब कटली में वहाँ से ना कि ये क्या हो गया मेरे साथ. तो फिर बाद में मुझे हरी ने बताया कि वो कह रहा था मेरी बीवी मुझे 3 दिन तक देखा हो, अच्छा हो उसे नहीं देखा, वरना 3 दिन तो पूछती कौन थी वो, मतलब ऐसा कुछ हो गया था. तो वो थोड़ा सा मोमेंट ऐसा हो गया कि ओवर एक्साइटेड हो गई मैं. और कहते हैं ना क्या, एक कहावत है,
खुशी का ठिकाना नहीं रहना, तो मेरा ये हो गया था खुशी का कोई ठिकाना नहीं था उस बीच में, ऐसा सब कुछ हो गया। अच्छा फिर वापस आते, फिर मम्मी पापा को मैंने बताया, फिर राहुल को हनी ने बताया कि आपको ऐसे ऐसे, उसने पूरी नरेट की स्टोरी की, ऐसा ऐसा हुआ था, और सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद नेक्स्ट डे न्यू ईयर था, विश किया तो मेरे मम्मी ने, तो मेरा ऑलरेडी देख लिया था राहुल की मम्मी ने व्लॉग ना, कह रही है एड्स, उनको पता था, मैंने उनको समझा रखा था कि ऐड आएंगे, आई थिंक ब्रज या शिखा ने समझाया था कि एड्स आएंगे तो इसमें मतलब इनकम आती है, तो उन्होंने जब मेरा एड्स देखे तो वो समझ गई कि इसकी स्टार्ट हो गई है, मतलब मोनेटाइजेशन हो गया है, तो उन्होंने भी मुझे इसी तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई बोला। तो धीरे धीरे हमारे जो मेरा जो फैमिली है और राहुल की फैमिली है, हम लोगों में फैल गई, मतलब हम लोगों तक बात पहुंच गई थी, बट अभी तक तो बाकी किसी को नहीं पता है, आई थिंक बाकी किसी को नहीं पता है, मैंने किसी को नहीं बताया, यस, बट मेहनत है गाइस, और ये मेहनत मेरी नहीं है, लिटरली मेरी मेहनत नहीं है, तो पूरी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये जो मेहनत है ये आप लोगों की मेहनत है गाइस, आप लोग देखते हो मेरे को, उस वजह से मेरा वॉच टाइम इतना जल्दी कंप्लीट दूंगी, वो आप लोगों को दूंगी, मेरे सब्सक्राइबर्स को दूंगी, क्योंकि फाइनली लिटरली यू आर वॉचिंग मी, लाइक यू आर माई जेन्यून व्यूअर्स, और व्यूअर्स की वजह से ही होता है कि हम लोगों को जो हमारा चैनल है उसको एड्स मिलते हैं, और जो भी कुछ होता है मतलब आप लोगों की वजह से होता है, आप लोग नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वी क्रिएटर एज लाइक वी आर नथिंग, तो इसका पूरा श्रेय तो इसका जो पूरा श्रेय है मैं आप लोगों को दूंगी, त्रिशिका भी आप लोगों को देगी पूरा श्रेय, से हाय फास्ट, से हाय, हाय से हाय, से हाय, तो हम लोग आप लोगों को देंगे, कुछ नाम है मेरे पास, वेट, तो गाइस मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सब लोगों को जिन्होंने मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, जो कमेंट करते हैं, जो नहीं भी करते, ऐसा नहीं है सिर्फ जो कमेंट करते हैं वही मेरे चैनल को वॉच करते हैं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कमेंट नहीं करते हैं बट स्टिल हमारे साथ बने रहते हैं, तो उन सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ तहे दिल से, जिन्होंने मेरा चैनल को प्रमोट करने में हेल्प करी है, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेरे फैमिली को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, मीनाक्षी की फैमिली को, शिखा की फैमिली को, एंड हमारी फैमिली को, क्योंकि उन सबका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं रहता है, लाइक अगर वो मेरे व्लॉग में आ रहे तो उनकी पूरी फैमिली देखती है, तो एक चेन होती है जो बन जाती है, फिर वो धीरे धीरे कनेक्ट हो जाते हैं हम लोगों से, और कई सारे ऐसे लोग, अनजान लोग जो अचानक से त्रिशिका को देखते हैं, त्रिशिका के लाइक त्रिशिका से इंटरेक्ट करते हैं, त्रिशिका बहुत जल्दी किसी से भी इंटरेक्ट करने लग जाती है, तो फिर वो त्रिशिका के बारे में जो पूछते हैं तो मैं उनको उनका चैनल बताती हूँ, त्रिशिका का बताती हूँ कि त्रिशिका का चैनल है ऐसे ऐसे करके, तो वो सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसे कई लोग जो स्ट्रेंजर्स होते हैं बट स्टिल दे आर कनेक्टेड विद अस, कई सारे लोग आप कमेंट करके भी मुझे बताते हो दैट यू लव माय व्लॉग्स, यू लव वॉचिंग त्रिशिका, उन सब के लिए भी धन्यवाद, प्लस मैंने एक लिस्ट बना के रखी हुई है क्योंकि मैं त्रिशिका ने बहुत मुश्किल से बनाने दी है बिकॉज शी वॉज क्राइंग अलॉट, तो उनमें से मैं फटाफट नाम पढ़ देती हूँ आप लोगों के, मिनी है अगैन मेरी फेवरेट, एंड इनके कमेंट आए ना आए बट मुझे पता ही है मेरे सारे वीडियोस बहुत तहे दिल से देखती हैं, फिर SM भवगुना गढ़वाली यूट्यूबर हैं ये, स्वाति जी इनका नाम है, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, सोवनास डेली व्लॉग ईच एंड एवरी टाइम शी कमेंट एंड पूरा अच्छा से हाईलाइट करती हैं जो भी उस दिन के मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ज़रूर मुझे बताती हैं, शिल्पा सूरी इनका रेगुलर मैसेज आता है, विदिशी लाइफ स्टाइल पायल्स वर्ल्ड एस डी किचन इंडियन यूट्यूबर प्रियंका साई संध्या शर्मा ये मेरी बहुत अच्छी हरिद्वार की सब्सक्राइबर हैं इनके भी बच्चा है एंड स्टाइलिश विद कोमल हसीब इलेक्ट्रॉनिक सोनिया खान किचन सपना सहर अंजलि व्लॉग इनका जो अंजलि जी हैं ये आई थिंक सबसे पहले इनका ही मेरे को कमेंट आते थे स्टार्टिंग में ना तो इस वजह से मुझे अच्छे से याद है और अभी भी मेरे साथ बनी हुई हैं ज़ाहिर्स किचन है मलाइका अहमद है आई ऑन द वर्ल्ड फ्रॉम श्रीलंका इरिन है बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है मेरी और बहुत पसंद करती है राहुल को जीजू कहती है मेरे को दीदी कहती है एंड शी स्टिल देयर विद अस तो उनको भी धन्यवाद साहिल ज़ेबा वर्ल्ड देन वुमेन्स विंग्स ये भी बहुत हार्ड वर्किंग वुमेन है अजीम कुकिंग है ऑल इन वन है व्लॉग विद नेहा चौहान रिम रन क्रिएशन इनका बहुत ब्यूटीफुल ड्राॅइंग्स होती हैं माई लाइफ इन स्पेन इनका भी कुछ दिनों पहले ही मोनेटाइज हुआ है अकाउंट कुलूट्स किचन है रीना स्टार सासी स्वाति फ्रॉम सूरत एंड कनेक्शन है उनका देहरादून में भी एंड कनिका अग्रवाल शी इज़ अगैन वन ऑफ द गिव अवे विनर शिवानी सिन्हा अगैन वन ऑफ द गिव अवे विनर एंड मेरे से इंस्टा पे भी टच में है राजेश मिश्रा है मारिसा आर्ट है शी इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया बट शी स्टिल वॉच माई व्लॉग्स एंड बहुत अच्छी ड्राॅइंग है इनकी इनका भी एक अच्छा सा चैनल है एम जी सुमन डांस
ये बहुत अच्छा डांस करते हैं, कोरियोग्राफर है एंड हमसे इंस्टा पे और यूट्यूब पे कनेक्टेड रहते हैं एंड ही कॉल्स मी भी ही, तो हाय आपका भी मैं नाम ले रही हूँ, धन्यवाद। इंडियन व्लॉगर पूजा, जयवीर पोस्टवाल, इनकी जो वाइफ है आयशा, वो हमारे व्यूज़ कर, वो हमारा चैनल को व्यू करती हैं, तो उनका धन्यवाद। एकता गुप्ता, मनु, मनु ये शिखा की सिस्टर है, वो कमेंट भी बड़ी क्यूट क्यूट करती है। मानसी हो गई, मीनाक्षी की फ्रेंड मोनिका हो गई, इन सब का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। तनिष्का कश्यप है, ये भी चैनल है इनका बहुत प्यारा, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और बहुत सारे लोग जो मेरे से मिस आउट हो गए हैं जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट लाइक, कितना मैं नोट करूँगी, बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, बट उन सब लोगों को धन्यवाद। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं आया होगा, प्लीज़ बुरा मत माना क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। त्रिशिका साथ में, प्लस मैं आज ही घर आई हूँ अपने, और मुझे आज ही आप लोगों को अपडेट देना था क्योंकि मेरे को बेचैनी हुई थी कि मैं कैसे आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों की वजह से मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। तो लास्ट में फाइनल सजेशन कि जिनका चैनल रिव्यू के लिए जा रखा है या जा चुका है, वो पेशेंस रखे। अगर उनका कंटेंट जेन्युइन है ना गाइस, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा एंड 100% मिलेगा। विद इन वन डे भी मिल सकता है, विद इन 7 to 8 days भी मिल सकता है, बट मिलेगा। और जब आपका चैनल का मोनेटाइजेशन का ईमेल आ जाए ना, तब भी सब्र रखना क्योंकि एड्स आने में भी टाइम लगता है, भले ही सिंबल आ जाए डॉलर का, बट स्टिल आपको एड आने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा सब्र रखना। तो ये था मेरा आज का ये गुड न्यूज़ व्लॉग, गुड न्यूज़ वीडियो बेसिकली, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। गॉड को धन्यवाद, मेरी पूरी फैमिली को धन्यवाद, राहुल को धन्यवाद, बहुत सपोर्ट करते हैं गाइस। अगर राहुल नहीं होते ना तो मैं व्लॉगिंग स्टार्ट भी नहीं कर पाती, क्योंकि त्रिशिका को बहुत ऐसे बार होते हैं कि मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ तो राहुल सुलाते हैं या राहुल ध्यान रखते हैं, तो उनका भी धन्यवाद। राहुल की फैमिली का, ब्रज, शिखा, इधर मीनाक्षी, हनी, मेरी फैमिली, मेरे दूर दूर तक के रिलेटिव्स, मेरे ये पूरी परिवार जो मेरा फर्स्ट टर्म्स में बेबी का है, इंस्टा पे परिवार, फेसबुक पे परिवार, सबको धन्यवाद। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस अच्छे से देखते रहो मेरे व्लॉग्स, मेरे को ऐसी सपोर्ट करते रहो, एंड अगेन धन्यवाद।